जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्यारे भक्तों, हमने कुछ दिन पहले एक ध्यान की सीरीज शुरू की थी। उसमें हमने एक वीडियो डाली थी शुरुआत की कि ना ध्यान की शुरुआत नाम संकीर्तन के साथ करें। तो प्यारे भक्तों, अब हम ये उसके आगे की वीडियो बना रहे हैं। अब आपको करना क्या है, नाम संकीर्तन जब आपका पूर्ण हो जाए यानी आप उसमें पूरी तरह से लीन हो जाओ, तो उसके बाद फिर जैसे नाम जप में करते हैं उपांशु और मानसिक, आपको ऐसे ही उसका अभ्यास करना है। अगर कोई पहले से ही भगवान से जुड़ा हुआ है और उसने वाणिक यानी वाणी से उपांशु और मानसिक सारे जप कर लिए हैं तो वो सीधा भी ध्यान कर सकता है। वो हमने इसलिए शुरुआत से बताया था क्योंकि जो नए साधक हमसे जुड़ रहे हैं और जो भगवान से जुड़े हुए नहीं हैं वो एकदम पर ध्यान करेंगे तो वो कर नहीं पाते। और हमने उसके बाद एक और वीडियो भी बनाया था कि लोग कहते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता, उसमें मैंने स्पष्ट बताया भी था। वो यही कारण होता है कि वो डायरेक्ट ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंचने की कोशिश करते हैं तो फिर उन्हें उनका ध्यान लगता नहीं है। और प्यारे भक्तों, मैं आपको ये स्पष्ट बता देती हूँ कि ध्यान जितना कहना आसान है, जब आप ध्यान लगाना शुरू करोगे तो आपको समस्याएं अवश्य आएंगी। जैसे भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो वो समस्याएं नहीं, वो परीक्षाएं होती है। ऐसे जब तुम ध्यान करोगे तो वो भी आप अपनी परीक्षाएं समझो और उन सब परीक्षाओं से आपको पार होके ऊपर जाना यानी उनमें पास होना है। ये मैं किसी एक अगले ही वीडियो बनाऊंगी कि ध्यान करते समय क्या क्या हमारे समस्याएँ आती हैं, तो वो एक और वीडियो में बताएंगे। आज वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आज आप ये जान लें कि जब आपका नाम संकीर्तन हो जाए, उपांशु और मानसिक जप हो जाए तो उसके बाद आपको ध्यान लगाना है। और ध्यान लगाना कैसे है, देखो ज़्यादातर आपने YouTube पे वीडियो देखी होगी, कहीं से सुना भी होगा, सब ये बताते हैं कि बैठकर ध्यान लगाना पद्मासन या सिद्धासन में। और उस वीडियो में हमने भी बताया था कि पद्मासन सिद्धासन में बैठ के आपको नाम संकीर्तन करना है। परंतु प्यारे भक्तों, ये कलयुग है, आधी क्या 99% दुनिया ऐसी है जो अस्वस्थ है, कोई मन से है, कोई तन से है, कोई किसी प्रकार से है। तो प्यारे भक्तों, अगर आप बैठ के नहीं कर सकते तो ये मैं आपको प्लस पॉइंट दे रही हूँ, आप लेट कर भी ध्यान कर सकते हैं। सीधा बैठ जाएं, पद्मासन में बैठ सकते हैं या सिद्धासन में बैठ सकते हो, अति उत्तम। नहीं तो बिल्कुल सीधा लेट जाए, तकिया नहीं लगाना है। फिर सबसे पहला काम आता है ध्यान में, आपको अपना शरीर स्थिर करना आना चाहिए, क्योंकि तन स्थिर तो मन स्थिर होगा। अगर आपका तन ही स्थिर नहीं होगा तो मन को स्थिर नहीं कर पाओगे प्यारे भक्तों। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आप बैठे हैं तो बैठ जाएं और अपने तन को स्थिर करना सीखना है बस। लेटे हैं तो कुछ देर शांति से लेटे जाएं, लेटे रहें। और जब आप बैठे हैं लेटे तो कोशिश करो कि आपका ध्यान यानी जैसे जो आपका आज्ञा चक्कर है ना, वहाँ पे आपको जैसे देखना है। अगर शुरुआत में साधक डायरेक्टली नहीं देख पाते तो कुछ दिनों के लिए अपनी उंगली वहाँ पे रख लो, कुछ दिनों के लिए। फिर आपको अभ्यास हो जाएगा एक या दो दिन के बाद कि हमें यहाँ देखना है। फिर आपका ऑटोमेटिक आंखें बंद करते ही आपका ध्यान यानी आपका मन वहाँ जाएगा। वो अभी थोड़ा और बाद की बात है, पहले आप दो दिन, चार दिन, पाँच दिन, दस दिन में अपने शरीर को स्थिर करना सीखो। मतलब कहीं खुजली हो, होने दो, चींटियाँ काटे काटने दो, कुछ और टेंशन है, पैरों में भड़क होए, दर्द होए, बहुत सी समस्याएं आएंगी, उन सब को आपको पार करते जाना है प्यारे भक्तों। और जब आप उनको पार कर लोगे तो फिर आएगा ध्यान, कि ध्यान लगेगा कैसे और ध्यान लगाना कैसे और ध्यान में करना क्या है। प्यारे भक्तों, पहले आपका तन स्थिर होना चाहिए, आपकी वाणी स्थिर होनी चाहिए यानी तन स्थिर, वचन स्थिर और फिर मन स्थिर होता है। तो मन तो बहुत बाद में स्थिर होगा, पहले आप लेट के या बैठ के तन को स्थिर करें और फिर अपनी वाणी को, और कोशिश करें एकांत स्थान में बैठने की, क्योंकि जो भी शुरुआती साधक है उनका मन जैसे ही कोई बोला वैसे ही ध्यान टूट जाएगा। तो
तो आप एकांत में कोशिश करें बैठने की, एकांत में लेटें, वहीं पे ये ध्यान करें। तो प्यारे भक्तों, आपको बैठ के या लेट के शुरुआत में ऐसा करना है, आपकी जो सांसें चल रही हैं, शुरुआत में आपकी सांसें लेटते ही आपको लगेगा कि तेज़ी से चल रही हैं। फिर थोड़ी देर आपको जब आपका तन स्थिर होने लगेगा तो आपकी सांसें भी नॉर्मल होनी शुरू हो जाएंगी। तो वो जो नॉर्मल सांसें आ जा रही है ना, सामान्य, ना ज़्यादा तेज़ी से ना कम, जैसी भी आ रही हैं आपकी, उन सांसों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। बस उन सांसों को देखो आते जाते, यानी सांसों को आप देखोगे तो वो आपका नाम जप भी होगा, प्राण जप भी होगा, और आप ध्यान की तरफ भी आगे बढ़ रहे, यानी मेडिटेशन की तरफ भी। हम बिल्कुल शुरुआती सीढ़ी से आपको ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं प्यारे भक्तों। लोग एक ही वीडियो में सब कुछ बता देते, बताने से क्या होता, लाओ मैं भी बता दूंगी, आप कर नहीं पाएंगे, मैं तो अभी बता दूंगी सब कुछ। तो आप ऐसे शुरुआत करें, इस वीडियो को देखें एक बार दो बार, कुछ समझ में नहीं आया तो हमसे पूछो, और आप कोशिश करें ध्यान में बैठने की, ध्यान को लगाने की, तो आप अवश्य ही सफल हो जाएंगे, क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं है। करोगे तो सब संभव है, उस परम से प्रार्थना करें, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। और अपने अंदर ये निश्चय कर लें कि हमने ऐसा करना ही करना। आगे आने वाले वीडियो में हम बताएंगे राम नाम जप के साथ कैसे ध्यान किया जाता है। और प्यारे भक्तों, ध्यान करने के अनंत लाभ हैं। अनंत लाभ क्या, यही एक वो रास्ता है जो आपको आपके अंदर उतारेगा, और वो परम हमारे अंदर है, वो सारी शक्तियाँ हमारे अंदर हैं, जिनको आप बाहर कहीं ढूंढते फिरते हो, किन्हीं बाबाओं के पास जाके खोजते हो, कहीं डॉक्टरों के पास अपनी बीमारियाँ ठीक करवाना चाहते हो, लेकिन प्यारे भक्तों, सब कुछ आपके अंदर है, हर बीमारी का इलाज आपके अंदर है, हर शक्ति आपके अंदर है। हम इस सीरीज़ में आगे आपको पूर्ण ज्ञान देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों।